डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास जो क्लास 12th के लिए है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में, तो उसके आगे हम लोग टॉपिक देंगे क्लास 12th का फिजिक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले दिन हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक बनाया जाए अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, ये टॉपिक्स है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व। अब हम इसको बोलेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व और क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। चलिए इसी चीज को हम लोग टॉपिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि हम लोग एक एरो देकर कुछ बात को लिख लेंगे, फिर हम लोग उसके आगे के बात को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, लिखा जाए माना कि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा, माना कि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा I1 का मतलब विद्युत धारा, उसके नीचे लिखेंगे I1 है, कॉमा द्वितीयक कुंडली के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स फाई टू प्राप्त होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कॉमा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। चलिए, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अन्योन्य प्रेरण किसको कहते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि दो कुंडली होता है, एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और एक को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली को S से सूचित करते हैं जबकि प्राथमिक कुंडली को P से सूचित करते हैं। अब यहां पे हमें समझना यह है कि प्राथमिक कुंडली में अगर करंट I प्रवाहित करेंगे तो उसके वजह से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स कितना होगा, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स φ2 हो रहा है, ऐसा हम लोग माने हुए हैं। और यहां पे हम लोग एक चीज और माने हैं कि द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है, लपेटों की संख्या है, वो क्या है, N2 है। N2 का मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ ना कुछ मानने की जरूरत होती है और यहां पे हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने यही माना है कि अगर दो कुंडली है जिसको हम लोग एक को बोल रहे प्राथमिक कुंडली और दूसरे को बोल रहे द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो अब जो प्राथमिक कुंडली में हम लोग धारा I1 पास करेंगे
तो उसके वजह से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स फाइ टू होगा, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना होगा, तो फेरों की संख्या एन टू होगा, ऐसा हम लोगों ने माना है। अब फिर हम लोग क्या लिखे हैं, अर्थार्थ करके उस बात को हम लोग लिखेंगे। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो कुल चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, अर्थात कुल चुंबकीय फ्लक्स का जो वैल्यू निकलेगा, वो चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स का जो वैल्यू निकलेगा प्यारे साथियों, वो समानुपाती हो जाएगा किसके, जो प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित किया जा रहा था। और प्रथम कुंडली में धारा कितना प्रवाहित किया जा रहा था, जी हाँ I1। देखिए हम लोग माने भी हुए हैं कि माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा पास हो रहा है, तो जब I1 धारा प्रवाहित हो रहा है तो सेकेंडरी क्वाइल में द्वितीय कुंडली में फ्लक्स कितना हो रहा है, फाइ टू, और द्वितीय कुंडली में टोटल फेरों की संख्या एन टू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों वही बात लिखे हैं, कौन सा बात लिखे कि कुल जो फ्लक्स होगा, मिटाने वाला किधर रख दीजिए, हाँ यहाँ, तो हम लोगों ने यही माना है कि जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा वो I1 के समानुपाती होगा। प्यारे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कुल चुंबकीय फ्लक्स कब निकलता है, जब फेरों की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कुल फेरों की संख्या कितना है द्वितीय कुंडली में N2, और उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, और कुल चुंबकीय फ्लक्स जो है I1 के समानुपाती है। ठीक है, हम लोग हर बार जानते हैं कि समानुपाती का साइन अगर हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो यहां पे अगर समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, तो यहां पे आएगा N2 phi 2 इज इक्वल टू MI1। जी हाँ ऐसा ही कुछ बनेगा, N2 phi 2 इज इक्वल टू MI1, राइट। तो ये चीज हमें अभी मिलने वाला है, यानी कि N2 phi 2 इज इक्वल टू MI1। और प्यारे साथियों इसी M को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी M को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसी M को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसी को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक को एम से भी सूचित किया जाता है। तो आप अर्थार्थ के नीचे इतनी चीज को लिख लीजिए और फिर नेक्स्ट एरो उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या लिखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके नीचे फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, नेक्स्ट एरो में देकर लिखेंगे, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व किसी एक कुंडली से संबद्ध, किसी एक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के, कुल चुंबकीय फ्लक्स के सांख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि, यदि दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि दूसरी कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए यहां पे क्या बोला, जरा अच्छे से समझिएगा इन चीजों को। हम अभी जो ये लिखे कि हमें
अगर विद्युत धारा का वैल्यू एकांक होगा, एकांक का मतलब क्या, एक एक एम्पियर को ही हम लोग एकांक बोलते हैं। सवाल ये बोला कि अगर विद्युत धारा एक एम्पियर का होगा, एक एम्पियर का होगा, तब जो होगा चुंबकीय फ्लक्स यानी कि कुल चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू वो अन्योन्याप्रण गुणांक के बराबर होगा। ध्यान से सुनिए क्या बोला, कि अगर प्रवाहित विद्युत धारा जिसको हम लोग I1 बोल रहे हैं, अगर उसका वैल्यू एकांक हो जाए, एकांक का मतलब एक यूनिट हो जाए, एक एम्पियर हो जाए, तब कुल चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम लोग N2 Phi2 बोल रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो M के बराबर हो जाएगा, अन्योन्य प्रकत्व के बराबर होगा। अगर कोई सवाल पूछ दे कि किस अवस्था में, किस अवस्था में कुल चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू, कुल चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू अन्योन्य प्रकत्व के बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा कि एकांक की स्थिति में, एकांक जब उसका वैल्यू रहेगा, किसका वैल्यू, विद्युत धारा का वैल्यू, तब हम ये बोलेंगे कि कुल चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू अन्योन्य प्रकत्व के बराबर होगा। यानी कि यहां पे लिख सकते हैं जब I1 का वैल्यू एक एकांक रहे, एक एम्पियर रहे, तब तब फॉर्मूला से सूत्र भी क्या आया, N2 Phi2 बराबर एम आई वन, तो हम लोग लिखेंगे क्या, N2 Phi2 यानी Phi2 मतलब टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स बराबर एम। तो यही अवस्था है, यही अवस्था है कब, जब विद्युत धारा का वैल्यू एक एम्पियर रखेंगे तो जो मेरा कुल फ्लक्स है ये क्या है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स। और ये एम क्या है, तो एम को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल चुंबकीय फ्लक्स और अन्योन्य प्रकत्व कब बराबर होगा, जब कुंडली में प्रवाहित धारा का वैल्यू एकांक हो, एक एम्पियर हो, ठीक है। चलिए फिर ये टॉपिक्स तो हम लोग पढ़े कि अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ा, पिछले दिन हम लोग अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़े, चलिए हम लोग आगे कुछ और टॉपिक्स को सीखते हैं। आगे का टॉपिक्स है, आगे अगला टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक्स है परिणालिका का स्वप्रेरकत्व। आपको पता है ना कि परिणालिका का स्वप्रेरकत्व, सबसे पहले स्वप्रेरकत्व के बारे में आपको जानना चाहिए कि स्वप्रेरकत्व क्या है। तो स्वप्रेरकत्व का मतलब होता है कि अगर किसी कुंडली के कारण, किसी दूसरे कुंडली के कारण खुद के कुंडली में अगर कुछ धारा प्रवाहित हो जाती है, स्वतः क्रिया हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। तो अभी हम लोग किसका स्वप्रेरण देख रहे हैं, तो जी हाँ परिणालिका का स्वप्रेरकत्व देख रहे हैं। तो स्वप्रेरकत्व देख रहे हैं किसका, परिणालिका का। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वप्रेरकत्व जो हम लोग पढ़े उसका एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी। अच्छा एक चीज और छूट रहा है, हम लोग इसके पहले पढ़े ना अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में जिसको एम से सूचित किया जाता है, आप वहां पे जगह है तो नोट कर लीजिए कि एम का भी एसआई मात्रक हेनरी होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े उसके पिछले के पिछले दिन कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, उसी तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व का भी एसआई मात्रक हेनरी ही होता है। आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, और ये भी याद रखिएगा कि स्वप्रेरकत्व को कैपिटल एल से सूचित करते हैं, जबकि अन्योन्य प्रेरकत्व को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। जबकि दोनों ही प्रेरकत्व है इसलिए दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। यानी कि कैपिटल एम का भी वैल्यू वही होगा हेनरी, और कैपिटल एल का भी एसआई मात्रक क्या होगा, हेनरी ही होगा। यानी कि यहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं
कि ये चीजें छूट गई थी पिछले अभी अभी जो टॉपिक पढ़े ना, क्या टॉपिक था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, उसमें एक चीज लिखिएगा जहां पे हम लोग लिखे हुए है कि उसको एम से सूचित किया जाता है, उसके नीचे इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि कैपिटल एम का एसआई मात्रक हेनरी होता है, कैपिटल एम का एसआई मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, अब इन चीजों को लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये चीज छूटा हुआ था। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है। ठीक है, अब स्वप्रेरकत्व का मतलब क्या, एल कैपिटल एल किसके लिए भाई, तो परिनालिका के लिए। परिनालिका के बारे में हम लोग सीखे हैं कि क्या होता है परिनालिका, क्या होता है टेरॉइड, परिनालिका कैसे बनाया जाता है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आइए पढ़ते हैं किसके बारे में कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है, यानी परिनालिका के लिए कैपिटल एल यानी कि स्वप्रेरकत्व का मान कितना होता है, हम लोग उसको प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे कुछ बात लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर कुछ चीजें लिखेंगे तो लिखा जाए। सबसे पहले माना कि परिनालिका की लंबाई, माना कि परिनालिका की लंबाई छोटा एल है, कॉमा कॉमा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जिसमें जिसमें कुल फेरे की संख्या, जिसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, जिसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, एन माने बड़ा एन फेरों की संख्या, पूर्ण विराम। फिर पूर्ण विराम करने के बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे पुनः माना की परिनालिका में, पुनः माना की परिनालिका में प्रबल धारा आई प्रवाहित हो रही है, प्रबल धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसलिए उसके नीचे लिखेंगे इसलिए परिनालिका के एकांक लंबाई में, परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। देखिए अगर बात करें तो परिनालिका टोटल लंबाई कितना है एल, और टोटल में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो हम लोगों को एकांक लंबाई में कितना होगा, यानी कि छोटा एन इज इक्वल टू टोटल जितना नंबर है उसको हम लोग एल से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आप चीजों को समझिए, अगर परिनालिका का लंबाई इट मीन्स इतना एल है, परिनालिका का लंबाई एल है, तो इसमें टोटल फेरों की संख्या कितना है, टोटल फेरों की संख्या एन है, लेकिन अगर एकांक लंबाई रहेगा तो एकांक लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या में एल से डिवाइड करेंगे तो एकांक मेरा आ जाएगा। तो एकांक को हम लोग सूचित करते हैं, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी उसको छोटा एन से सूचित करते हैं, और छोटा एन का क्या वैल्यू होगा, तो कैपिटल एन बटा में एल, राइट, कैपिटल एन बटा में एल, ये चीजें होंगी। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोग लिख लिए, ये वाला नीचे लिख लीजिएगा, इसलिए करके ये वाला चीज लिख लीजिएगा कि परिनालिका के एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी वो कितना होगा, तो छोटा एन बराबर कैपिटल एन बटा एल। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि, परिनालिका के लिए पता है ना, जब हम लोग परिनालिका पढ़ रहे थे तो वहां पे परिनालिका में जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो B बराबर
म्यू नॉट एन इंटू आई। याद है? नहीं याद है तो दोस्तों आप पीछे जो हम लोग पढ़े हैं ना उसको पलटो तब जाकर याद आएगा, ठीक है। म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यहां पे एक मिस्टेक, यहां पे छोटा है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग पढ़े हुए थे परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो म्यू नॉट इंटू छोटा एन इंटू आई, छोटा एन का मतलब एकांक लंबाई में टोटल चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट का म्यू नॉट रहेगा और छोटा एन का वैल्यू कितना, तो कैपिटल एन बटा एल इंटू में आई। तो ये होगा हमें अभी तक का जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकला है म्यू नॉट इंटू एन इंटू एन बाई एल सॉरी इंटू आई। अब जरा बात करते हैं कुल फ्लक्स के लिए, है ना। तो फ्लक्स का मान होगा क्या, यहां पे लिखेंगे परिनालिका में फ्लक्स, परिनालिका में फ्लक्स, तो परिनालिका में फ्लक्स, तो फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं प्यारे दोस्तों, फाई से। और फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़े, फ्लक्स किसको कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी और उसके क्षेत्रफल को गुना कर दीजिए, तो बी और ए को, बी माने चुंबकीय क्षेत्र और ए का मतलब अभी क्षेत्रफल हम माने हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्रफल से गुना करते हैं वो क्या मिलता है हमें, फ्लक्स मिलता है। तो इसीलिए बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई इंटू ए। तो कुल फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई इंटू ए। तो ये अगर हमें से कोई पूछेगा कि फ्लक्स कितना होगा तो हम बताएंगे म्यू नॉट एन बाई एल आई इंटू ए। अच्छा ये तो फ्लक्स हुआ ना, अब हम लोग कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं। जब हमें कुल फ्लक्स का जरूरत पड़ेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब कुल फ्लक्स या फिर कुल फ्लक्स नहीं भी तो अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं किसका फार्मूला, तो स्वप्रेरकत्व का फार्मूला। तो अब आप सूत्र से चलिएगा, सूत्र से क्या है सूत्र भाई, तो स्वप्रेरकत्व बराबर फार्मूला होता है एन फाई बटा में आई, ये फार्मूला होता है एन फाई बटा में आई, ठीक है। और जब एन फाई बटा में आई का मतलब क्या हुआ, जरा हम लोग पढ़ते हैं स्वप्रेरकत्व को किससे सूचित करते हैं, तो एल से, ठीक है। और ये तो फार्मूला होता है तो एल के जगह पे एन रखिए, ठीक है, इनटू अब फाई, फाई का मतलब क्या, फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, तो म्यू नॉट इनटू एन बाय एल इनटू आई इनटू ए। और मिटाने वाला किधर गया, हाँ ये तो हम लोग यहां पर रख दिए फ्लक्स का वैल्यू फाई की जगह पे और बटा में क्या बोल रहा है, बटा में करो आई, तो आई से तो आई कट गया। तो इसलिए प्यारे दोस्तों हमें जो एल का वैल्यू निकला वो क्या निकला, म्यू नॉट एन एन का गुना करो एन स्क्वायर ए बाय एल। अगर आज से कोई पूछेगा कि परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व कितना होता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा में एल। और जहां म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस म्यू का मतलब होता है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, और जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है ना। तो ये म्यू नॉट का वैल्यू तो हमको पता है, जहां पे ये चुंबकशीलता का काम करता है, ठीक है। तो एल का मतलब क्या हुआ, ये जो एल का मान निकला है वो किसका मान, तो यहां पे लिख देंगे परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, यानी कि परिनालिका के लिए जो स्वप्रेरकत्व का मान आएगा वो कितना आएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल, राइट। तो ये रहा हम लोगों का फार्मूला प्रूफ, ठीक है, जहां पे एल क्या है, तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है म्यू नॉट
कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है, एन का मतलब फेरों की संख्या, ए मतलब क्षेत्रफल, एल का मतलब परिनालिका का लंबाई कि टोटल परिनालिका कितना लंबा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी हम लोग फार्मूला को प्रूफ किए कि परिनालिका में स्वपरकत्व कितना होता है। तो परिनालिका के लिए स्वपरकत्व याद रखिएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। और जहां तक बात करें तो ये प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रूफ इससे क्वेश्चन रिलेटेड उतना ज्यादा आता नहीं है, तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। हम लोगों को जो चाहिए होता है, जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन बने, तो हम लोग को उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम लोग फालतू के क्वेश्चन को डिस्कस करके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही लॉकडाउन में हम लोग का एक महीने का अंतर पड़ गया है साथियों, इसलिए हम हर एक सैटरडे को भी, संडे को भी, आपको पता है ना कि हम लोगों की सप्ताह में 5 दिन ही तो पढ़ाई होता था। सैटरडे को तो ऑलरेडी टेस्ट होती थी, जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन क्लास कहां, और संडे तो ऑलरेडी छुट्टी था। तो हमको यही काम करना है, इसीलिए हम यहां पे जुड़े हुए हैं। हर सैटरडे हो या संडे हो चाहे कुछ भी हो, हाँ ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिन, किसी ना किसी दिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी लाइट नहीं आती है, कभी आंधड़ तूफान आ जाता है, फिर भी पता है हम आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। यानी कि वैसी स्थिति में आपको नोटबुक पे आपको सॉल्यूशन करते हैं, नोटबुक पे समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि एक भी क्लास बीच नहीं हो, एक भी क्लास मिस नहीं हो, आपके लिए हम इतना तत्पर रहते हैं। तो आप क्यों नहीं तत्पर हो, आप हमेशा पढ़ते रहो। अगर आप अपने अंदर से कठोर परिश्रम करोगे तो हमेशा सफल होते चले जाओगे। दैट्स इज ऑलरेडी ट्रू, हमेशा पहले से ही सही है और एकदम ऑलरेडी सही है। कब? जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए हम इतना वर्कआउट करते हैं और आप नहीं करते हैं, तो कैसा मुझे फीलिंग होगा जरा आप समझिए। इसलिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना है। और यही वजह है कि हम लोग जो लॉकडाउन में उतने दिने खोए हैं, लगभग 1 महीने, तो उसको हम लोगों को मेंटेन करना है। मेरा सिलेबस पीछे क्यों होगा, हम लोग तत्पर होकर पढ़ेंगे, कभी सिलेबस पीछे नहीं होगा। एक गारंटी देकर बोलता हूं कि जिस एरिया में आप स्टडी कर रहे हो उस एरिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहलाएगा, बशर्ते आपका इसमें साथ चाहिए, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिजल्ट दो, क्यों नहीं होगा। ये हम गारंटी देते हैं और आप गारंटी लो कि इस इंस्टीट्यूट से बेहतर कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा, बशर्ते आप मेहनत करते चले जाओ। सिलेबस का बात रहा, सबसे पहले सिलेबस हम देंगे हर चीज का। ठीक है, इसके लिए आप फिकर छोड़ दो, चाहे लॉकडाउन आए चाहे जाए, बशर्ते आपकी स्टडी रेगुलर होते रहनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर हम लोग आगे की स्टडी को जारी रखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।